जल्दी बता दो कहाँ रखी है मेरी टाई, जाना है मैंने। जानू बचा ले, फिर शुरू हो गई। जानू कोई तो बचा लो। जानू तू जो बोलेगी करूँगा, जानू बोलना बंद कर। तो शेर सुनाओ। मोहब्बत कर ली तुमसे बहुत सोचने के बाद, अब किसी को देखना नहीं तुम्हें देखने के बाद, दुनिया छोड़ देंगे तुम्हें पाने के बाद, खुदा माफ करे इतना झूठ बोलने के बाद। टूटा जो कभी तारा सजना, जल्दी बता दो कहाँ। अरे अब तो स्कूल से घर आने का मन ही नहीं करता मैडम यार, ऐसी है ना बस। मेरा प्यारा बेटा इधर आ, इधर आ। चल तू जा। क्यों मारा? आज फिर स्कूल से शिकायत आई थी। माँ मेरी गलती नहीं है लेकिन। अच्छा तो किसकी गलती है? मैं बताता हूँ, आसमां पे काली घटा छाई थी, प्रिंसिपल से फिर मार खाई थी, सब कहते हैं सुधर जा लेकिन मैडम फिर से आफत बन के आई थी। और तूने टीचर को फिर छेड़ा। हाँ ना, अब क्या होगा? अरे अब तो इसको आप यही रखना, टेंशन मत लेना, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। अरे आइए अनीता जी बैठिए। डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स में सब ठीक तो है ना, वो ठीक हो जाएंगे ना? अभी तक तो ये ठीक है अनीता जी, लेकिन इन्हें आगे से अच्छा खाना देना, शॉपिंग के लिए तो बिल्कुल बोलना ही मत, लड़ाई झगड़ा मत करना, तो ये 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलती हूँ। आ गई, क्या बोला डॉक्टर ने? अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। चलो शॉपिंग पे चलते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। साड़ी लूंगी नहीं आप। अरे अब तुझे क्या बताऊं अपने बारे में, मल्टी मिलीनियर आदमी हूं, बिजनेस हर जगह है, हर जगह दुबई से लेके सऊदी अरब तक। यार ये बिजनेस के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे हीरो हीरोइंस बहुत पसंद है। अरे हीरो का तो सुन, सुपरमैन मेरे घर कच्चे धोके जा रहे हैं। नहीं ये नहीं, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, सलमान खान, ये वाले। आलिया भट्ट? यार आलिया भट्ट से आधा आज फिर से उसके साथ डेट पर जाने का मन कर रहा है। तो पहले भी उसके साथ डेट पर जा चुका है? नहीं नहीं पहले भी मन करा था। गरीब। अरे अब चलो, अच्छा मैं जा रहा हूँ, आते टाइम कुछ लेकर आना है क्या? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? प्रिया का पति पता है कैसा है, ऑफिस जाते हुए रोज उसे प्यार करके जाता है, उसे हग करके जाता है, प्यारी प्यारी बातें करके जाता है। प्रिया की शक्ल देख और अपनी शक्ल देख तो मैं क्या करूं? रूबी का हस्बैंड भी उसे इतना ही प्यार करके जाता है तो मैं क्या करूं? तुम भी करा करो ना। यार तुम्हारा दिमाग खराब है, रूबी और प्रिया को मैं क्यों प्यार करूंगा, एक बार बोला था आई लव यू बहुत मारा था। चलो सुनो, मैं बिजली का बिल भर के आता हूँ जरा। जानू प्लीज जाने दे। जानू प्लीज जल्दी बोल, क्या है? शेर सुनाओ ना। अच्छा शेर, लो फिर सुनो, तुम्हारे पास आने से मेरी रूह खिल जाती है, तुम्हारे पास आने से मेरी रूह खिल जाती है, तुम पास जो आती हो भीनी भीनी सी बदबू आती है। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब बदबूदार हूँ तुम, अच्छा मैं चलता हूँ। सुनो मैं बिजली का। नमस्कार मैडम जी। अरे चिरकुट जी बैठिए बैठिए, आज समस्या बताइए। मैडम जी समस्या तो ऐसी है, कमजोरी बहुत रहती है आजकल। आप फल खाया करिए छिलके के साथ। छिलके के साथ? चलिए ठीक है, मैं अगले हफ्ते आता हूँ। एक हफ्ते बाद। अरे चिरकुट जी क्या हुआ, अभी भी कमजोरी है? नहीं अब तो पेट में दर्द है। ऐसा क्या खा लिया था? आपने बोला था ना फल छिलके समेत खाना है, मैंने पाइनएप्पल खा लिया। हाँ क्या हुआ? पॉपकॉर्न खाने है तो सीधा बोल दो। मुझसे गलती से आपकी व्हाइट शर्ट जल गई। कौन सी व्हाइट? जिसपे ऊँट बनाए हुए हैं। अच्छा ऊँट वाली, वैसी तो मेरे पास एक और है, टेंशन ना लो। मुझे क्या बेवकूफ समझते हो, मैं भी समझदार हूँ, मुझे पता है, तभी तो मैंने उसका टुकड़ा काट के दूसरी वाली शर्ट में लगा दिया। मतलब दोनों शर्ट खराब कर दी? इतने अनजान मत बताओ, मुझे पता है तुमने क्या किया है। ज्यादा पहलियों में बातें ना करो और बता मैंने किया क्या। तुमने अपनी शेरवानी का ऐड डाल दिया, एक बार पहनी है वो भी गलती से। हाँ गलती से ही पहनी थी, तेरे जैसी टकर गई उस चक्कर में। इससे अच्छा तो मैं किसी भूत से शादी कर लेती। हाँ तुम सही कह रही हो, चुड़ैल की जोड़ी भूत से ही जमती। नल्ला कहीं का पग्गिया में तेरी रोज रोज वही बातें सुनकर, भगवान उठा ले। नहीं भगवान मुझे उठा ले। भगवान पहले इसी को उठा ले, हम तो आते रहेंगे। इतने अनजान कैसे? सुपरमैन दुनिया की रक्षा करता है, मैं भी करता हूँ। ओनर लाइफ फ्रिज की बोतलें भर ले, रक्षा बाद में करियो। ये माँ आपको नहीं पता मैं क्या करके आया हूँ। ऊपर वाले अब किसका सर फोड़ के आ गए तू? सरवाइंड नहीं फोड़ा, एक बेचारे गरीब की जान बचाई है तूने। और जान बचाई कैसे बचाई? एक भिखारी मेरे से पैसे मांग रहा था, मैंने कहा अगर मैं तुझे 100 रुपए दूं तो तू क्या करेगा, उसने बोला मैं खुशी से मर जाऊंगा, मैंने उसे दिए ही नहीं। ऐसे न लायक औलाद मुझे ही मिलनी थी। कैसे नींद आ रही यार, कुछ चावे बना दो। सुनो ना। हाँ क्या? सुनो ना, गुस्सा मत करो, चाहे नी बनानी ना बनाओ। ये रोजी कौन है? रोजी? तुमने मेरा फोन चेक किया क्या?
अरे रोजी कोई नहीं है, वो रमेश है ना मेरा दोस्त, उसकी कुतिया का नाम है रोजी। रमेश की कुतिया के सुबह से 10 कॉल आ चुके हैं। ये तो गड़बड़ हो गई। इस शीशा तोड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं, गलती सारी तुम्हारी थी। गलती सारी तुम्हारी है, जब तुम्हें पता था मैं तुम्हारे ऊपर गमला मार रही हूँ तो तुम साइड क्यों हटे? वाह रे वाह, मतलब तुम्हारा मतलब मैं सर पे अपने गमला खा लेता। खा लेता मनुष, तुझे तो आदत है। तुमसे तो बहती करना बेकार है। अच्छा ये सब छोड़ो, कुछ ऐसा कहो ना जिससे मेरी दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, मेरी सांस रुकने लगे, मेरे पैर जमीन पर न टिके। पैर जमीन पर न टिके? हाँ फांसी ले ले कमीनी। ये तो गड़बड़ हो गई। इस शीशा तोड़। अरे कल मिल के खेलेंगे कंचे। जानू तू निकल। हाँ क्या है? जानू लगता है मैं तो गया। जानू मेरी मुस्कुराहट पे कोई शेर सुनाओ ना। बस नजर उठा के देख लिया होता अगर अब तमन्ना ही थी हमें डराने की, हम तो यूं ही बेहोश हो जाते, क्या जरूरत थी मुस्कुराने की। क्या मतलब है तेरा? मतलब तो साफ है, चुड़ैल लगती है मुस्कुराते में। जाने नहीं देंगे तुझे, देंगे तुझे। अरे कल जानवर होती जा रही है, बिल्कुल खुद ही बना के पी लिया कर चाहे जब मन करे। मुझे घर में किसने लेके आया था? हाँ मुझसे काम करवाने के लिए। दुनिया में सभी औरतें काम करती हैं, एक तेरी गुर्दों में आग लगती है। हाँ तो थोड़ा सा काम कर लोगे, गुर्दे छीन नहीं जाएंगे तुम्हारे। कमीनी डायन कहीं की नागिन होती जा रही है, तू शक्ल देख अपनी। इसी दिन के लिए मुझे घर लाए थे जो मुझे नागिन कह रहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे नागिन कह रही? पुलिस में कंप्लेन करूंगी मैं तो। लगता है थोड़ा ज्यादा बोल दिया। मैंने नागिन इसलिए बोला, अपनी जुल्फे देखो काली काली। आप बिना चाय लाती हूँ जानवर। कहना क्या चाह रही है? अब रो क्यों रही है? तुम बदल गए, पहले तुम्हें मेरी हर बात अच्छी लगती थी, अब नहीं लगती। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पहले भी तुम्हारी कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। तू पहले भी पिटता था, अब भी पिटेगा। मैं पहले भी भाग जाता था, अब भी भाग जाऊंगा। बेटा घास खड़े हो जाओ। हाँ जी मैडम जी, खड़ा ही हूँ। पूछो। क्या पूछ रही थी मैं? आप तो मुहावरों का अर्थ पूछ रही थी। हो ये तो गड़बड़ हो गई। अच्छा ये बताओ, जिंदगी की तलाश में हम मौत के इतने पास आ गए, इसका अर्थ बताओ। अरे हाय आज तो सच्ची में गड़बड़ हो गई मैम, मुझसे ना पूछो। टाइम नहीं है जल्दी बता। मतलब मैम गर्लफ्रेंड ढूंढने निकले थे, घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया। सच में गड़बड़ हो गई। बेटा घास, इस बार जब हम चाची के घर जाएंगे ना तो अमरूद जरूर तोड़ के लाएंगे। आप बताएं उनके घर अंगूर भी उगते हैं। क्या हुआ मेरे कुछ लगा है क्या? अरे ऐसे क्यों घूर रही हो, क्या हुआ? क्या हुआ, लात क्यों मारी? तुम्हारे ऊपर ना मच्छर बैठा होता और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे अलावा तुम्हारा कोई और खून पिए। चुड़ैल सारा खून तो तू पी लेती है, वो तो शायद ब्लड डोनेट करने आया था। इस बार बेटियों को बोझ मत समझो, बेटियों को पढ़ाओ और बढ़ाओ। वाह कितनी अच्छी नसीहतें देते हो तुम, कुछ मुझे भी बताओ ना। बताता हूँ, बीवियों को बहुत प्यार करो, बीवियों से ईमानदारी से रहो, बीवियों को ना खुश रखो। कितने अच्छे हो आप। बीवियों को बाहर शॉपिंग पे लेके जाओ, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाओ, अच्छा खाना खिलाओ। आप जैसा पति तो सबको दे भगवान। ये बिल्कुल मत सोचो बीवी किसकी है, जिसकी भी मिले यही करो उसके साथ। तुझ जैसा पति तो दुश्मन को भी ना मिले साला दानव। बेटियों को अरे हरीश के पास जाएंगे तो ले आएंगे। सुनो ना, ये कहीं फिर से तो स्टार्ट नहीं हो गई। सुनो ना, चलता हूँ मैं, चलता हूँ। जाते जाते सुनो ना। हाँ क्या है बोलो। तो पता है कल मैंने बहुत सुंदर लड़की को देखा और जो कपड़े उसने पहन रखे थे ना उससे बहुत ज्यादा जचे रहे थे। अच्छा फिर? फिर क्या, मैं शीशे के सामने से हट गई। नाइस पिक। अरे हरीश। हेलो बेबी क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही बैठी हूँ। अच्छा कल सुबह को मेरे साथ योगा भी चलोगी? तुम्हारा क्या मतलब, मैं मोटी हो गई हूँ? अरे तुम्हें नहीं जाना मत चलो। अच्छा मतलब मैं आलसी हो गई हूँ? यार तुम चिल्ला क्यों रही हो? अच्छा मतलब हमेशा झगड़ा मैं शुरू करती हूँ? यार तुम्हें नहीं जाना मत जाना, मैं अकेला चल जाऊंगा। पता ही है ना तुम्हारे सेक्रेटरी के साथ चक्कर चल रहा है। ये मतलब ले जाना ही नहीं चाहते थे, ये तुम बहाने बना रहे हो। ऐसा करते हैं दोनों में से कोई नहीं जाएगा। हां तुम ले जाना ही नहीं चाहते, मुझे बहाने बना रहे हो। ठीक है मैं भी नहीं जाऊंगा। नहीं मैं पागल हूँ है ना, हमेशा झगड़ा मैं शुरू करती हूँ। यार मैं ऑफिस में हूँ, इतना मत चिल्लाओ। तू तो पनौती है, एक नंबर का मनुष कहीं का। यार छोड़ो यार। अच्छा तुम्हें पूजा याद है ना? पूजा? हाँ पूजा। अरे वही पूजा ना, वो जो पिछली गली में रहती है। और क्या लड़की है, नीली आंखें झील जैसी और फिगर देखो, आए हाय मजा आ जाए। अब क्या लड़की है कसम से। अच्छा अब क्या होगा? क्या होगा बताती हूँ। ये लो ये लो ये लो, तुम मत सुधराना, तुम नहीं सुधर सकते, ठहर के इंसान। पूजा तुम्हारी थी, बताऊंगी तुझे।